टेंथ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन डेवलपमेंट का प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर मतलब कि जैसे इसमें से क्वेश्चन जो निकला हुआ है उसमें से है। तो सबसे पहले शुरुआत में 1 मार्क्स ईच है, आंसर आप लिखते जाइए, आंसर लास्ट में इसके जो टाइप कर दिए ऑलरेडी इसको, जो पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए उसके बाद आंसर्स को आप देख लीजिए कि वाई केरला है जो लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, कि केरला में क्यों लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, जो जन्म जो मृत्यु दर है जन्म के बाद 1 साल जो मृत्यु दर क्या होता है क्यों है। इज इट जस्ट राइट टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एवरेज इनकम, क्या ये सही है कि एवरेज इनकम से उसको ये बेस्ड करना है। फिर थर्ड है कि व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि जन्म के बाद कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है बर्थ के अनुसार। फिर व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हाउ डू राशन शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीपल, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अभी राशन कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस COVID-19 में। फिर व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़, फिर विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर इसको वीडियो देखना होगा तो मेरे इसमें जो बॉक्स में जाइएगा वहाँ पर, तो चैप्टर वंस का अगर इकोनॉमिक्स क्लास 10 डालिएगा तो डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर आप अजय कुमार डालिएगा तो वहाँ पर आपको मिल सकता है इस चैप्टर का डिटेल, तो उसमें भी आपको वहाँ समझ सकते हैं। फिर विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्टेट इंडिया का रैंक फर्स्ट है। फिर व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप इसको आंसर भी लिखते जाइए और आंसर लिखने के साथ आप उसको मैच करिएगा लास्ट में, कॉपी में आंसर लिखे क्वेश्चंस और आंसर दोनों को लिखिएगा तो इसमें आसान होगा। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबर, कि जो रूरल लेबर्स होता है तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट गोल उसका क्या होगा, कि हर व्यक्ति का होता है तो जैसे हाइएस्ट सपोर्ट प्राइस, क्या उसको सपोर्ट प्राइस ज़्यादा मिलना चाहिए जो खेत से होता है, या हाई लिटरेसी रेट होना चाहिए, रेज्ड वेजेस, या फिर सेटल द चिल्ड्रेन एब्रोड, कि उसको विदेश में बच्चे को पढ़ने भेजा जाए या रहने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर लेबर है लैंडलेस लेबर है तो उसके लिए वेजेस जो है मजदूरी है बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्ट वेजेस। तो एक हम बता दिए उसका तो आप अपने से लिखे। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स वाट, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि वहाँ पर दिया हुआ है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो 4 ऑप्शंस है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप किसी एक को चूज करके रखिए, लिखिए कॉपी में। फिर विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 15 इन द वर्ल्ड, किसमें इतना है कि एज ग्रुप ऑफ 15 जो 15 ग्रुप का जो पढ़ने वाले जो सीनियर सेकेंडरी होते हैं, तो वहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा किस कंट्री में लार्जेस्ट साइट है। फिर उसके बाद अगर आप फोर्थ में देखें कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, वाट इन द रीजन फॉर द सेम, कि इसका क्या कारण है कि इसका जो जन्म मृत्यु दर बहुत कम है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर देखिएगा तो बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फर्स्ट में दिया है, इट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम, इट हैज़ नेचुरल रिसोर्सेज, और द गवर्नमेंट इज़ केरला इज़ वेरी इफिशियंट, तो कौन सा होगा। फिर है कि विच स्टेट एमंग द फ्लोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट, किस स्टेट जो 4 स्टेट दिया हुआ है पंजाब बिहार केरला तमिलनाडु में कौन सा है, तो इसको ऑप्शन करिएगा। अब जब आंसर लिखेगा तो आंसर्स यहाँ पर जो पहला का है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पहले दे दिए हैं, तो यहाँ पर जो आंसर्स है 5 का नहीं दिया हुआ है, तो 5 का बिहार नहीं, 5 का बी दिया हुआ बिहार टाइप हो गया है। फिर क्वेश्चन था जो फर्स्ट का जो आंसर था एक एक नंबर का, तो उसका आंसर्स यहाँ पर है, आप उसको अगर आंसर लिखेंगे कि वाई हैज़ केरला लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, पहला क्वेश्चन था, तो इसका जो था कि इसका क्या क्या था, तो यहाँ पर प्रोविजन के जगह भी के जगह टाइप आर हो गया है, यहाँ भी प्रोविजन्स होगा भी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको आंसर्स को आप मैच कर लीजिएगा। फिर मिलाने के बाद जाके पाउच करके आप लिख सकते हैं इसको, और उसको अगर कहीं डाउट होगा तो फिर से चैप्टर्स में जाइए, बुक को फिर से रीडिंग करिए, ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो उसको वीडियो में जाइए यूट्यूब में और उसमें सर्च करिए कि क्या हो सकता है, उसका लिंक लास्ट में मैं दे दूँगा आपको। तो फिर इट इज़ द जो एवरेज थर्ड आंसर है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ पर्सनल लाइफ को टाइम ऑफ बर्थ है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। फिर जीडीपी क्या चीज़ था जो था, व्हाट इज जीडीपी, तो इट स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन था मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, यहाँ पर एक छूट गया है या लिख सकते हैं, इतना भी सही आंसर है। फिर राशन कार्ड हेल्प कैसे करता है, तो उसका आंसर है 6 का है, पब्लिक फैसिलिटी आर दोज विच आर द प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड ऑफ द पीपल, हॉस्पिटल स्कूल सुन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट था, तो ये था। तो केरला टैप टॉप में क्यों था, तो ये क्वेश्चंस था, इसका आंसर दिया हुआ है। फिर इसका 9 का आंसर आप लिखेंगे। फिर लॉन्ग टाइम आंसर क्वेश्चंस है
ये 3 मार्च का भी हो सकता है, 5 मार्च का भी, दोनों आ सकता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर 9 का फिर पॉज कर लिखिएगा, फिर इसका सारा क्वेश्चंस आप उतार लीजिएगा, इसका आंसर, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका आंसर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखते जाइए कि वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे ही मैंने चैप्टर्स में, अगर यूट्यूब में आप देख गए होंगे कि हर आदमी का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, अलग अलग विशेष होता है, क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 में आ सकता है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इन द क्राइटेरियन यूज बाय द UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो कैसे अलग अलग कंट्री के लिए वर्ल्ड बैंक तय करता है, तो उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखिए। फिर व्हाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन करना है इसको। फिर मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मे नीड टू लिव वेल, जैसे इसका हम चर्चा किए थे कि इन्वायरमेंट जरूरी है, कि इसको पैसा से नहीं खरीदा सकता है, वाटर्स एयर्स है, तो इसको आप नोट्स में देखिएगा या जो वीडियो में या बुक में जाइएगा थ्रूली, तो उसका आंसर लिखिएगा कि इसको एलुसिडेट करना है, आपको सपोर्ट करना है आंसर कि ये सही है गलत। अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको भी आपके रीजन में लिखना है कि इज इट ट्रू, अगर ट्रू नहीं, अगर ट्रू है तो उसको फिर उसका रीजन देना है। गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, कि वो 8 के ऊपर मतलब कि नहीं जाते, 9-10 नहीं पढ़ती थी पहले गांव के, अभी बच्चे लड़कियां जो होती है उसके पीछे क्या कारण है, तो 3 रीजन देना है इसका। फिर डिफाइन करना है, ये थोड़ा सा यहाँ सेलेक्ट हो गया है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ ये दोनों सही है, ये भी ठीक है, सिर्फ इसका ये हुआ है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट। अगर यहाँ 6 क्वेश्चन है तो पहला का आंसर जो अगर आप लिखे होंगे तो इसको आप मिला सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 4 से 5 पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको धीरे धीरे पॉज करके भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जाके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसको आप मैच करेंगे पाउच करके, तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकंड था दोनों को वर्ल्ड बैंक UNDP में क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पर जो था ये दिया हुआ है, डिफरेंस किया गया है 3 पॉइंट्स है, 5 में भी आ सकता है कि वो तीनों का 3-3 पॉइंट दे दिए, 5 में होगा तो इसको भी पाउच करके आंसर आप मिला लीजिए। फिर आंसर 3 है कि लिटरेसी इज एसेंशियल असेसमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसको भी आप मैच करिए, इसको मैच करिएगा तब इसको समझ में आएगा। इसके बाद जाके उसके आगे आगे हम इसको बढ़ा रहे, स्लाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कि मनी कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डैट यू मीनेट टू लिव वेल, तो क्या क्या रीजन थे, तो इसको मनी कांट बाय आज द पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जैसे मैंने चर्चा किया था, ये 3 नंबर्स में आएगा, इसको आप आगे लिखते जाइए, इसको पाउच करके आंसर श्योर मिला लीजिएगा। फिर 5 का है जेंडर ऑफ डिस्क्रिप्शन पॉवर्टी डिस्टेंस, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको आंसर्स मिला लीजिएगा। और शायद क्वेश्चन 6 उसके बाद जाके होगा, क्वेश्चन 6 का जो 3 था, अगर इसको भी आप पाउच करके आंसर मिला लेंगे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या थी, इसका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या था, फिर लिटरेसी रेट क्या था, फिर ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैं आंसर्स भी साथ में दे दिया हूँ, जब जब किसी बोर्ड में आया हुआ ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे 2010 CBSE में आया हुआ है कि व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर द एस्पेक्ट कवर अंडर द नेशनल डेवलपमेंट, तो इसका जो 3 नंबर में आया था तो 4 पॉइंट में लिखा, किसी भी 3 को आप पाउच करके इसको आंसर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी 2011 में क्वेश्चन था कि द अर्थ है, इसका टाइप करना छोड़ गया CBSE, कि दैट एनफ रिसोर्सेज टू मीट नीड टू ऑल बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाइड ग्रीड ऑफ इवन 1%, तो एक्सप्लेन करना था इसको, ग्राउंड वाटर था जैसे जुडिशियल यूज, इसका आंसर देना है इसको, इसको भी आप पाउच करके क्वेश्चन से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जाके था जो ये बहुत बार आया है 2013, 2014, 2015, 2016 में आया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके आंसर लिखेगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको सिर्फ एक ये दिए हैं, कोशिश किए हैं कि डेवलपमेंट गोल ऑफ 1 में भी कॉन्फ्लिक्टेड, कि एक का अलग हो सकता है दूसरे का अलग हो सकता है, तो क्या क्या होगा, तो डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट का थोड़ा चर्चा करिएगा। उसके बाद लिखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्ट्रक्ट हैबिटेट, इस तरह से। फिर स्टडी द डाटा, यहाँ डाटा स्टडी करके इसमें से क्वेश्चन पूछा, भाई ये 2016 का क्वेश्चन है, CBSE में आया था, तो यहाँ पर डाटा को आप अच्छा से देख लीजिए, उसका जो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, अगर स्टेट में देखें पर कैपिटा हाईएस्ट किसका है तो आप निश्चित है महाराष्ट्र का देखेंगे, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यहाँ पर ये आंसर होगा, तो फिर सारा का आंसर यहाँ लिख दिए हैं मैंने, तो ये इतना था। उसके बाद जाके आप इसको तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।